पहुंचाना, क्या अपनी बात दूसरों को पहुंचाना। भाषा क्या मतलब, आप जैसे हिंदी में बोल रहे हो ना, आप अपनी बात मुझे बता रहे हो, है ना, हिंदी में, यानी कि आप अपनी बात मेरे तक पहुंचा रहे हो, है ना। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा कहलाती है। कितनी तरह की भाषा होती है? मौखिक कौन सी होती है? जो मुंह से बोलते हैं, मौखिक मुंह से बोलते हैं, और लिखित जो लिखते लिख के बताते हैं, जैसे गुड 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 गुड, याद रहे इसलिए गुड गुड खाली गुड ना बोला कर बेटा। तो भाई मैडम अभी घर पे सूट बनाने लग गई है अपने आप। तो मैडम कितना टाइम लगेगा आपको सूट सिलने में? काट रही हूँ, सिल लूँगी तो कल। तो अभी चल रही है कटिंग, तो आज कटिंग होगी और कल उसकी सिलाई होगी। है क्या करना है बेटा? आगे बेटा, नमस्ते बेटा। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो अभी टाइम हो चुका है शॉर्ट्स वगैरह बनाने का। तो लाइट वगैरह सब लगा दी है मैंने, और मैडम को उठाऊंगा अभी काम करते हुए बीच में से। सूट वगैरह अपना बना रही है मैडम, तो मैंने उसको समझाया कि पहले जो काम करने का है पहले वो काम करो, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है शाम का, और थोड़ा लेट हो जाएगा तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। मैडम ने 5 मिनट का टाइम दिया है, तो देखो अभी 5 मिनट के बाद। और फिर गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है, तो शॉर्ट्स वगैरह ये भी ज़रूरी है बनानी। तो शाम के टाइम शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं हम, और पूरे दिन नहीं बनाते हम, सुबह शाम के टाइम बनाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम व्यूज़ वगैरह ठीक आ जाते हैं। तो इस चक्कर में हम शाम को बनाते हैं भाई। तो भाई कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपका कौन सा ट्राईपॉड है, क्या है। तो भाई ये क्या है कि मैंने जो रिंग लाइट मंगाई थी इसका जो स्टैंड है, जो चूड़ी है, वो ख़राब हो चुकी है। तो मैं इसको जो है ना इस पर ऐसे लगा के, और ये मैंने अलग मंगा रखा है, डिजिटेक का ट्राईपॉड है, तो ये मैंने अलग मंगा रखा है। तो इसको जो है इस पे के साथ ऐसे अटैच करके, मतलब लगा के, और फिर अपना बनाते हैं, क्योंकि इसमें कोई जुगाड़ नहीं है रिंग लाइट लगाने का, तो इसको हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा ट्राईपॉड है, तो ये अच्छा है, मज़बूत है, तो इसकी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, बाकी ये है कि ठीक है, मज़बूत है। चले अभी 5 मिनट नहीं हुए, चले चले करे इनका, इसका काम कभी ख़त्म नहीं होता, पता नहीं क्यों 5 मिनट करते करते जो है ना 1 घंटा निकाल दिया। तो चल यार फिर मैं भी कुछ काम वाम करूँ अपना। तो भाई एक भाई का मेरे पास मेल आया था, वो कह रहे थे कि सर ऐसे ऐसे हमारा जो है टैक्स फॉर्म जो होता है कि वो कैसे क्या भरना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई टैक्स फॉर्म जो होता है तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो US का होता है और एक होता है सिंगापुर का। तो आपको US का टैक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। तो वो भरने के लिए जब हमने फॉर्म फिल किया था तो हम भी नए थे, तो हमें कुछ पता नहीं था। तो भाई YouTube में देख के हमने, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉर्म फिल किया था, तो उसके बाद हमारा जो है क्लियर हुआ था। तो भाई अपना जो भी चीज़ हो सब YouTube में है, तो YouTube में देखो और उसके बाद अपना कार्रवाई करो आगे, वेरीफिकेशन वगैरह, तो काफ़ी चीज़ होती हैं। तो भाई ऐसे ही कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता, उसके लिए काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो वेरीफिकेशन भी जो है काफ़ी दिन में होगी आपकी, फॉर्म फिल करने के बाद भी जो है उसका फिर बाद में मेल आता है कन्फर्मेशन का। तो ये बात है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दी है। तो दोस्तों अभी सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है, तो ब्रेकफास्ट में छोले कुलचे लेके आई थी मैडम, लेके आई बनाए थे तो ये घर में बनाए थे, कुलचे लेके आए थे दुकान से, और ये छोले तैयार किए थे मैडम ने तड़के तड़क, और लीशू जो है इसको मज़े से अभी फिनिश करे। लीशू टेस्टी है, टेस्टी नहीं है? तो मत खाओ बेटा, मत खाओ, टेस्टी है, ठीक। तो अभी मेरे को एक ऐसे बीवी चाहिए थी जो मेरे को गरम गरम बना के खिलाए रोटी और कुलचे। तो आपकी इच्छा पूरी, आखिर मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, और इच्छा पूरी तब होगी जब अपने घर चली जाएगी, उसके बाद मैं आराम से खाऊंगा। फिर मैं तुम्हारी छीन रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को, कोई बना के भी ना देगा। अरे तू भी खा ले थोड़ा सा। मैं बना रही हूँ। वाओ कितने नेक विचार है आपके, मैं पति बनता हूँ ना। वाओ धन्यवाद। तो लीशो का मैंने लगा दिया यहाँ पर ट्यूशन,
और इसकी मम्मी इसको जा रही है छोड़ने। पढ़ती तो है नहीं तो ट्यूशन लगाना पड़ा, क्योंकि बच्चे घर पर नहीं पढ़ते भाई, और छोटी पढ़ रही है तो उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो जाए, इसलिए इसका ट्यूशन लगाना पड़ा। तो अभी शॉर्ट की चल रही है तैयारी, तो दो तो शॉर्ट्स तैयार कर ली हैं, तो अभी तीसरा बनाएंगे शॉर्ट्स, बैक टू बैक बनानी है। तो अभी ट्यूशन से आ जाएगी घरवाली, तो उसके बाद बनाएंगे यहाँ पर शॉर्ट्स, उसके बाद जाना है नजफगढ़। तो अभी कल मेरी थी ड्यूटी और मैडम ने कल सिर्फ एक ही शॉर्ट्स बनाई है, तो मैंने इसको काफ़ी लताड़ा इस बात के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर बाद में मैंने सोचा कि यार थोड़ा काम हो गया होगा, क्योंकि औरतों के काफ़ी काम हो जाते हैं घर पे। दो तो मैंने बना लिए शॉर्ट्स और अभी दो और बनानी है, तो किचन के अंदर बनानी है। आ चुकी है लीजू को छोड़ के, तो अभी इसको आते के साथ यहीं पर सेट कर दूँगा। बेटे फटाफट जल्दी आ जाए, शॉर्ट रेडी है मैडम। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, तो अभी फिर कैसे जाएगी नजफगढ़ बेटे? तुम नजफगढ़ जाएंगे स्कूटी पे, तो वह काफ़ी तेज़ धूप हो रही है बाहर। अभी मैडम जो है देखो ये होता है डेडिकेशन, आते के साथ जो है शॉर्ट्स के लिए रेडी होगी है। हमें जो है ना ऐसे वो चाहिए बंदे या बंदी। ओके रेडी। तो अभी चिया आ चुकी है ट्यूशन से। हाँ बेटा, क्या कोई खास बात हुई आज ट्यूशन पे? लेकिन मेरे को पहले साल से बातें हैं, तो एलसीएम तो हमने कर रखे हैं पहले ही। लेकिन वो अच्छे थे ना, उनको अभी अभी सिखाया थे मैम ने, अरे वाह कितने होशियार बच्चे हो गए मेरे। हो गया, चलो नाउ शॉर्ट्स रेडी। तो दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 6 और मोटर खराब हो गई कूलर की दोबारा, तो अभी ये गारंटी में है, तो उसको अभी दोबारा डाल के आएंगे दुकान पे। तो सर गर्मी कम हुई है, तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, 5 बजे तक भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है भाई। अभी चलते हैं दुकान पे, गोलगप्पे शोलगप्पे खा के आते हैं, मैडम को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। जल्दी आ जा, ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो भाई ये हैंड ग्राइंडर है, ये भूल गए थे, इसको भी ले लेते हैं। तो भाई लेडीज़ की सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि वो निकलते नहीं है घर से बाहर, इतनी बार ला लिया। जल्दी आ भाई, तो अब भाई निकल के 1 घंटे में, अरे 1 घंटा हो लिया। हो गया तेरा सब? चले चलिए भाई, आप पूरे नजारे लो। ये भाई पेड़ों की अहमियत को समझो, हम भी अभी स्टार्ट करेंगे कि भाई इतना पेड़ लगाएंगे अपने गाँव के आसपास। तो भाई मोटर वगैरह सब डाल दिया है दुकान पे, तो चलते हैं वहाँ से, अब मिलेगी 2 दिन बाद। आ जा टिंडा, क्या भाव दिया भाई? ले ले। Mm-hmm.
पपड़ी ओढ़ दे पपड़ी। वाओ है स्वाद। तो दोस्तों हमने घोड़े टोपे खा लिया और साथ में पपड़ी खा लिए। जैसे खाना खाने के बाद पान खाते हैं ना ऐसे। घोड़े तो खा लेते हैं, जो पपड़ी खाने में स्वाद है ना वो। और साथ में भी थोड़ा चाउमीन वगैरह पैक करवाएंगे बच्चों के लिए, तो उसके बाद अपना घर को चले जाएंगे। मैडम ने आधा किलो ये करवा लिया है बर्फी, पर मैंने करवा लिए ये रसमलाई। आए आए रसमलाई। रसमलाई कैसे कितने रुपए पीस है भाई? तो वे गोलगप्पे खाने के बाद मैडम आ रही थी सड़क पे, दिख गया विशाल मेगा मार्ट। बोली कि ओ शरद मुझे कुछ कपड़े लेने थे। मैंने कहा ठीक है भाई ले ले, आज तो पूरा खर्चा। ये कलर, ये हाँ ये ठीक है कलर है ना, अच्छा है ना, हाँ गर्मी के हिसाब से ठीक है। तो चलो भाई कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। मैंने इतनी जल्दी शॉपिंग कर ली, अब सारा टाइम ये वेस्ट कर देंगे मेरा। ये देखिए ठीक है, बढ़िया लग रही। और भाई नीचे सबसे जो बेसमेंट है ना उसी में एसी लगा हुआ, उसी में अच्छी हवा आ रही है, और ऊपर तो सारे गर्मी में मर गए। तो भाई ये मैडम अपने लिए लाई थी कुर्ता लंबे वाला, लेकिन ये लीशो ने पहन लिया है। और ये देखो ये कैसी लग रही है। हबीबी कम टू दुबई, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। लीशो तो आपको अच्छी आ रही है बेटा, आप तो दुबई के शेख वो बन गए हैं। शेख और शेफ। एक तो मैडम ने अपना ये कुर्ता लिया है, टी शर्ट ली है, लॉन्ग टी शर्ट ठीक है। और एक लीशो ने ली है, कहाँ लीशो की? वाह सो स्पाइसी। तो भाई एक ये लिए हमने, इसको पहनने के बाद ये बन जाएगी एकदम कैंडी आइसक्रीम बन जाएगी।